जिस भगत का मूले जानो क्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष वाण प्रकाश ग्रंथ से पेज नंबर 255। इस प्रकार शब्दोपयोग ही को उपाधि मानकर उसका उपाय करना और शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना, ये बात चल रही थी ना कि उपयावासी ये मानता है कि ये वृक्षशील संयम करने योग्य है, लेकिन इनमें क्या नहीं करना, ममत्व नहीं करना, क्या तीसरे पैराग्राफ ऊपर से तीसरे पैराग्राफ पंक्ति ना, ये यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, क्या हुआ? अच्छा, वो कहाँ है? तो जिनवाणी तो बंद कर दो जब तक इतने यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु इनमें ममत्व नहीं करना। तो उन्होंने क्या प्रश्न किया उससे, जिसका आप करता होकर करे उसमें ममत्व कैसे नहीं करना, और यदि आप करता नहीं है तो ये क्रिया मुझे करने योग्य ये कैसे बनेगा? आप यदि करता मतलब करने योग्य है, इसका मतलब कर्तृत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है तो ममत्व बुद्धि है क्या? तो फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बात ना फिर अपन ने कल बात की, ये बाह्य वृत्तादिक है, ये परद्रव्य के आश्रित है, और परद्रव्य का आप करता नहीं, इसलिए उनमें ममत कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और वहां ममत्व भी नहीं करना, मैं इनका करता हूँ ये भी नहीं मानना और उसमें ममता माने मेरी क्रिया ये भी नहीं मानना, तो फिर क्या मानना? व्रतादिक में जो ग्रहण त्याग जो शुभोपयोग है वो अपने आश्रित है, तो उसका अपने को कर्ता मानना और वहां महत्व भी करना। किसमें महत्व करना? किसमें? अपने भाव में, परद्रव्य की क्रिया में नहीं, कर्ता बनना हो तो अपने भाव का कर्ता बनना, देह की क्रिया का कर्ता मत बनना। देह के कर्ता बनोगे तो दुखी मिलेगा, क्योंकि देह का आप कर्ता है नहीं और भ्रम से उसका कर्ता बनता है, क्योंकि देह परद्रव्य है इसलिए आप उसका कर्ता नहीं, और हम अपने भाव हमारे आश्रित है इसलिए हम उसके कर्ता है। समझ में ना? जीव का लक्ष्य किस पे होना चाहिए? भाव पे। जीव लक्ष्य किस पे करता है? शरीर की क्रिया का कर्ता बन के प्रश्न भी ऐसे करते हैं लोग, साहब यदि हम सुबह 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 हमको पूजा करनी हो वही सुबह और कोई धर्म ध्यान का टाइम हो तब हम क्या करें, विधान की पूजा करें स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करें कि जाप जाप दे के सामायिक करें, क्या करें? कि तुम क्या करो, अपने क्या उद्देश्य, अपने करना क्या है? तुम पहली बात तो ये निर्णय करो कि तुम इन क्रियाओं के कर्ता हो, कर्ता है इन क्रिया कि हम अपने भाव के कर्ता है। नियम सार में गाथा आती है कि मुनिराज के शर्त आवश्यक होते हैं, कौन कौन से? समता स्तुति वंदना प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग और स्वाध्याय।
तो वो ये कहते हैं कि ये छयो कर्म एक स्वरूप की आराधना में हो जाते हैं। कोई निश्चय प्रतिक्रमण है, कोई निश्चय समता है, कोई निश्चय स्तुति है, कोई निश्चय वंदना है। तीर्थंकरों की सच्ची वंदना किसने, सच्ची स्तुति और वंदना किसने की? जिसने तीर्थंकर के बताए हुए मार्ग को पूरा आत्मसात कर लिया, सच्ची स्तुति। तीर्थंकर का सच्चा, तीर्थंकर की, तीर्थंकर का उपदेश क्या है? तीर्थंकर का उपदेश क्या है? तीर्थंकर का सबसे उत्कृष्ट श्रोता कौन है? जो क्षण भर में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला, जो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है वो सबसे उत्कृष्ट उनका शिष्य है। सबसे बढ़िया शिष्य कौन होता है? भगवान। जो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला, जो केवल ज्ञान प्राप्त है वो एक नहीं उसके शिष्य। वो जब केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं तब वो किसका ध्यान कर रहे होते हैं? भगवान का कि अपनी आत्मा का? तो सबसे उत्कृष्ट शिष्य कौन है? जो अपने अपने निज आत्मा का ध्यान करे वो उनका सर्वोत्कृष्ट शिष्य। क्या? तो जिसने अपनी आत्मा का ध्यान किया उसने भगवान की स्तुति भी करी, उसने स्तुति की, वंदना की। क्या? उसने समता भी कर ली, कायोत्सर्ग भी हो गया, प्रतिक्रमण भी हो गया, आलोचना स्वाध्याय सब हो गया। किसके? किसके? जिसने अपनी आत्मा में लीनता की उसके, उसके उस एक आत्म स्वरूप में लीनता होने पर छयो आवश्यक हो जाते हैं और अज्ञानी आवश्यकों को पूरा करता है। तो एक करते हैं तो छह हो जाते हैं, वही छयो का ध्यान रखता है फिर भी चूक जाता है। ये आवश्यक किस लिए कहे हैं? अपने निज आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को जानकर उसमें रुचि करके उसमें लीन होने के लिए। ये लक्ष्य तो ये बनाता नहीं है, ये तो ये समझता है सब 9 से 10 हमारे स्वाध्याय का टाइम है, अभी विधान रख लिया है, अब क्या होगा? हमारा विधान लंबा हो गया, हमें जाप का क्या होगा? सामाजिक का क्या होगा? हमें पूजन किया। अरे तुम्हारी ये एक्टिविटी करते रहो तुम्हें काम, अरे तुम कोई भी काम कर रहे हो और यदि रत्नत्रय का लक्ष्य करके कर रहे हो, चाहे तुम पूजा कर रहे हो, चाहे तुम स्वाध्याय कर रहे हो, तुम कोई भी काम कर रहे हो यदि रत्नत्रय रूप है तो सब सार्थक है, और उसमें से यदि रत्नत्रय नहीं है तो वो कुछ भी करो क्या सार्थक। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्रिया पूरी करने का। क्यों? सुबह से शाम तक की एक्टिविटी, कि उस एक्टिविटी का जो प्रयोजन है उसको साधने का होना चाहिए। प्रयोजन साधने कुछ नहीं है। ऐसा है कि वैसे भी सबसे बड़ा तो जिसका ये उद्देश्य होता है ना, काय का, किस चीज का, जिसका देहादिक से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का लक्ष्य होता है, वो कोई क्रिया करते रहे अपने निज स्वरूप को नहीं छोड़ता है, और उसकी वो पूजन में भी सामायिक करता है, और स्वाध्याय भी सामायिक है। और दूसरी बात ये है कि जो ऐसे अत्यंत आरंभ मतलब वाले काम होंगे वो वैसे ही कम करता हो, वो कोई पराश्रित काम नहीं होता उसका, कि पराश्रित माने आप मिलके करो, इकट्ठा करो, काम करो। इकट्ठे में तो धर्म ऐसे भी कम होता है, इकट्ठे उन लोगों को जरूरत पड़ती है जो स्वयं से नहीं कर पाते। इकट्ठी पूजा किनकी होती है? जो अकेले नहीं कर सकते, जो अकेले कर सकते उनको दुकेले मजा नहीं आता। वो तो आप अकेले नहीं कर पाते हो
तो आपको हम इतने सारे लोग थे, आप इनके साथ कर लो, उपयोग आपका लग जाएगा, अकेले आप नहीं रहोगे, किधर खड़े रहोगे क्या? तो आपको अवलंबन दिया है, लेकिन वो क्या है, उसकी भूमिका क्या है? है वो तो पंचम गुणस्थान वृत्ति है ना, तो पंचम गुणस्थान वृत्ति का सारा काम स्वावलंबन है, तो स्वावलंबनी स्वावलंबी होता है। स्वावलंबी वाले जीव का कोई भी कार्य परावलंबन से युक्त नहीं होता, किसी के आधार पर आधारित नहीं है। मेरे को मेरी पूजा करनी है तो मेरी इच्छा होती करूँ, जहाँ करनी वहाँ करूँ, मैं क्यों सबके साथ मिलके करूँ? तो विधान खुद का करे ना, खड़ा होना। अरे जिसकी उत्कृष्ट भूमिका होती है उसको सामूहिक भूमि काम में मजा नहीं आता। मैं तो कहता हूँ प्रतिमा धारी तो बहुत दूर की बात है, थोड़े ही आप यदि धर्म के अंदर आप इन्वॉल्व हो जाओ ना, तो आपको धर्म भीड़ के साथ करना नहीं रुचेगा, थोड़ा ही आप उसमें इन्वॉल्व होकर देखो। तो भीड़ के साथ कौन करना चाहते हैं, जिनको नया नया उपयोग लगाने के लिए क्या करें? बाकी जिसको अपनी गाड़ी खुद चलानी है वो क्यों किसी के ऊपर आश्रित होए? ये तो दूसरे को ड्राइवर बनाना है क्या? हम का ड्राइवर है उसको, जहाँ लेना है, जहाँ रोकना है, जहाँ आगे पढ़ाना है, और कितना किसको बताना है, किस पे कितना रुकना है, किस पे कितनी रुकना है, सब उस दूसरे के हाथ, अपने हाथ क्या है? और यूँ पूरी गाड़ी अपने हाथ है, मेरे को कोई एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं रुक गया वहीं, और यूँ तो सब लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो मेरे को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं कहाँ नहीं जाऊँगा, लोग कहाँ जाएंगे? लोग मेरे हाथ में नैवेद्य देंगे, अरे नैवेद्य चढ़ाओ क्या, तुम्हारे जल ही क्या रखा हुआ हाथ में, जल को हटाओ, जल को पोछो, नैवेद्य दो इनको, अच्छा दे क्या, क्योंकि वो क्या करे बेचारे के हाथ में ही कुछ नहीं है, अरे गाड़ी आगे बढ़नी क्या, ये तो लक्ष्मी। अरे पंचम वृत्ति जीव क्या होता है, उसका स्वरूप क्या, इतना स्थूल शुभोपयोग जो शुद्धोपयोग का अभिलाषी होता है, मुनि बनने के बिल्कुल निकट, उसकी परिणति भिन्न होती है। और ऐसे तो फिर बाकी व्यवहार से जो भी ऊपर ऊपरी ऊपर ऊपरी काम करना था सब कुछ करना, वो तो फिर ये है कि भाई खाना खाया, खाना खाने का टाइम पर सामाजिक सामाजिक कर, पर वो ऊपरा ऊपरी काम अलग चीज़ है और अंदर की परिणति से काम होना वो अलग चीज़ है। वो क्यों किसी को आपको मैं आपको देऊंगा कि भाई ये टाइम जो मेरा जो टाइम है उस टाइम में मैं कर लूँगा, तो नहीं आपको बात, मेरे हाथ में गाड़ी मेरी हाथ में मेरी एक नहीं है कि दूसरे के हाथ में, खुद के हाथ में रहती। पंचम गुणस्थान वृत्ति हो गया ना, तो पंचम गुणस्थान वृत्ति किसका नाम है? जिसके सम्यक्त हो गया है, दो कषाय चुगली का भाव हो गया है, वो जीव है जिसके की कुछ भाव में मोक्ष होने वाला है, सम्यक दृष्टि की 6-7 भाव में मोक्ष हो जाता है, तो वो बात ही अलग है। ये तो सब उसका जो भी अपन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो परिणति अलग चीज, वो परिणति तो ऐसी होती है कि वो उसके प्रति लालायित होता है तो एकदम, और वो तो जैसे पूजा भी कर रहा हो समझ लो, अपने पूजन करते करते वो अपने निज स्वरूप का ध्यान करे, पूजन में भी अपने स्वरूप को उर्ध करेगा, मुक्त करेगा, क्या पूजन को भी लक्ष्य नहीं बनाएगा, पूजन में भी भेद विज्ञान का लक्ष्य होगा, हर कार्य में भेद विज्ञान को लक्ष्य बनाए, उसका उद्देश्य वो देह की क्रिया मात्र पूरी नहीं करना है, उसका उद्देश्य तो आत्मविशुद्धि का है, उसका सारा लक्ष्य काय पे जाता है, आत्मविशुद्धि पे, मेरी विशुद्धि कैसे बढ़े, ये काम हो कि नहीं हो, ये कोई ये तो वो है कि अपने को एक वो है लिस्ट निपटानी हो, ये राइट, ये भी राइट हो गया, ये भी हो गया, राइट हो गया, वो तो प्राथमिक भूमिका के शिष्यों के लिए होता है राइट लगाने का काम, लेकिन जो अभ्यस्त हो जाते हैं इस कार्यों में वो तो उनको सामयिक करनी नहीं पड़ती है, सामयिक होती है, होती है, होती है और करनी पड़ती है, अलग बात है, मूल में ही तो वो दृष्टि नहीं है ना, दृष्टि है कि होती है सब चीज़ें, हमने उन सबको एक उनको लक्ष्य बना दिया है भाई, प्रोजेक्ट प्रतिमा में क्या करना रहता है कि ये करना रहता है, 14 का उपवास, अरे उसको अपने स्वरूप की इतनी रुचि होती है कि खाना खाने का भाव नहीं आता, कम से कम 8 दिन वो अपने आत्म स्वरूप की साधना के लिए निकालता और आनंद के लिए, और ये आनंद के लिए नहीं, इसका तो ये कि अब क्या करूँ,
कल अष्टमी है, हरी भी नहीं है। तो अष्टमी आते ही इसको क्या दिखने लगती है, मौत। एक टाइम खाना है बिना हरी के, और जैसे ही अष्टमी निकल जाती है तो आ रिलीफ। तो ये चीज अलग है, ये केवल अपना अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, अशुभोपयोग से बचे, शुभोपयोग में जितना है उतना भला है, परंतु ये अभी असली जो सामायिक है, असली पुरुषोत्तम उपवास है, ये अभी वो नहीं है। ये मान के करे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं करे तो अच्छा है। अभी उसमें भी कोई, यदि उसने पूजन कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, सामायिक कर ली तो कुछ नहीं। ये तो क्या है, अपने परिणामों को लगाने के लिए अवलंबन मात्र है, क्या इनका कोई हट नहीं होता कि ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए। अरे जिसको अपनी परिणति साधना है वो पूजन में भी साध सकता है और स्वाध्याय में भी साध सकता है, जिसको नहीं साधना है यो तो कह में भी ये करूँ कि ये करूँ, ये नहीं करते वो नहीं करते, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है, लक्ष्य क्या है तुम्हारा, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य वितरागता की वृद्धि है कि लक्ष्य वो क्रिया करना है। कोई एक क्रिया का तुमको पक्ष आ गया तो लक्ष्य खो गया क्या, ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सब करना चाहिए भैया, सबके लिस्ट पे लगना चाहिए। अरे जिसमें तुम्हारा मन लग जाए, मैं कहता हूँ तुम्हारा यदि जाप में मन लग जाए तुम जाप ही देते रहे, कौन मना कर रहा तुम, कोई ऐसा तो नहीं कि जाप पूरी हो गई तो अब ये पूरा हो गया काम, अब हमारा का आधा घंटा स्वाध्याय का तो वो भी करेंगे, या हमारा स्वाध्याय मन लग रहा है तो ऐसा तो नहीं हमारा आधा घंटा ही मन लग रहा था, हम पाँच मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं, अपना आधा घंटा हो गया चलो। ये कोई वो है क्या कि हम ये करें वो करें वो नहीं कर रहे हैं, और ये वो नहीं कर रहा है, और ये वो कर रहा है, ये वो नहीं कर रहे, क्या है तुम्हारे लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य क्या है जिंदगी का, और रुचि से करो, रुचि से जिसमें मन लगता हो करो ना, मन मना कर रहे क्या। धर्म का कोई भी अंग जिसमें अपनी रुचि लगती हो उसको करो क्या, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये हो वो, कोई ऐसा कोई फिक्स या कोई पैटर्न नहीं है, ये फिक्स पैटर्न तो एक जिसको अपनी वो लिस्ट पे लाइन लगानी होती है, ये भी पड़ी गई, जैसे जॉब के अंदर होते हैं ना शीट, वर्कशीट, ये वर्कशीट क्या आज काम है, ये वर्कशीट थोड़ी नहीं, ये चीज़ अलग क्या, ये तो अपने आत्म रुचि की चीज है। खाना क्या पहले खाना और क्या बाद में खाना, क्या पहले खाना चाहिए, मीठा पहले खाना चाहिए नमकीन, सब जो मर्जी आए बिल्कुल पूरी छूट है, तो मजा आना चाहिए। जो चाय जिस स्टॉल पे चले जाओ तो नंबर भले ही लगा दिया हो इसके लिए कि किस पहचान के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक के बाद दो पे ही जाना, दो का तीन पे जाना, 25 स्टॉल लगे हुए जा टूट पड़ना टूट। कौन मना कर दिया तुमको, ऐसे ये है, ये सब अवलंबन है, तुम्हें जिसमें रुचि आती हो वो तुम कर लो, कोई इसका एक का पक्ष मत करो कि बस ये रोटी खाना चाहिए और दाल ही नहीं खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, और चटनी तो ली नहीं इसने, दाल दाल से खा लिया, दाल के अंदर चटनी तो मिलानी चाहिए, नहीं मिला ली उसको, उसको उसमें मजा आ रहा नहीं, इन्होंने रूल का उल्लंघन कर दिया। अरे कहे का रूल का उल्लंघन कर दिया है, ये कौन से रूल, कौन सी किताब के रूल, रूल तो कर रहा है वो और मन कुछ नहीं लग रहा उसका क्या। अरे ये तो ऐसी चीज है कि आदमी को सब कुछ दे दिया जाए और वो इसे इसको छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हो, तीन लोग की संपत्ति उसको दे दो, चक्रवर्ती बना दे दो, और तो भी वो कहेगी मेरे को ये रुचता नहीं, मेरे को तो इसमें मन लगता है। इसका नाम धर्म है, धर्म जो है ना, धर्म कोई ये एक्टिविटियां पूरा कर लेने का नाम नहीं है कि बस एक्टिविटी पूरी कर लो और दिन में तो बस अच्छा धंधा पानी कर, मतलब उसमें रस तो उसमें ही आए, धर्म तो आत्मिक रुचि की नाम है। यही तो समझाते हैं अपन इतनी देर कि भाई पूरा पूरा लक्ष्य परिणामों पे जाना चाहिए, जिसके परिणाम विशुद्धि है उसके लिए तीन लोक की संपत्ति धूल है और अपनी आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, और जिसके परिणाम विशुद्धि नहीं है वो ये सब काम केवल करने के लिए और भोगों के लिए उसका धर्म होएगा,
भोग के अलावा कुछ नहीं है, भोग के लिए ख्याति पूजा लाभ के लिए और कुछ के लिए लक्ष्य नहीं बना, लक्ष्य तो यही तो अपन पढ़ रहे हैं कि वो अपने भाव का करता है केवल, ये इनका कर्ता नहीं बनता, हो इनका कर्ता बने यदि वो तो वो उसकी मान्यता यथार्थ नहीं है। यही तो कहा था कि ग्रहण त्याग जो अपना शुभोपयोग है वो अपने आश्रित है, उनका आप करता है, इसलिए उसमें कर्ता बुद्धि मानना मत बुद्धि मानता, परंतु इतने ही कि शुभोपयोग को भी क्या मानना, बंद का कारण था, मोक्ष का कारण नहीं जाना, क्योंकि बंद और मोक्ष के प्रति कुछ बना है, एक ही भाव पुण्य बंद का भी कारण हो मोक्ष का भी कारण हो ऐसा मानना ब्रह्म। अब क्या कहते देखो यहाँ पे आगे, ये अपने पढ़ा था ना एक पैराग्राफ कि व्रत और अव्रत दोनों के विकल्प रहित, यहाँ तो अभी विकल्प है कि नहीं, हम लोग ये क्रिया करने का, ये क्रिया करूँ कि ये करूँ, ये विकल्प रूप है, और जो मोक्ष मार्ग है वो इनके विकल्प रहित, जो उदासीन वीतराग जो शुद्धोपयोग भाव है वो मोक्ष मार्ग है, असली मोक्ष मार्ग। इस जगत की दृष्टि किस पे है, किसकी, व्रतों पे या अव्रत, ये व्रत नहीं कर रहा है ये व्रत कर रहा है, लेकिन ये दोनों कुछ करने में लगे हैं, और जो मुक्ति का मार्ग है वो न व्रत के करने के परिणाम रूप है न वो अव्रत के करने रूप परिणाम, वो तो वीत राग उदासीन परिणति जो है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। क्या वहाँ केवल ज्ञाता दृष्टा रहता है, न वो व्रत की क्रिया का कर्ता बनता है न पाप की क्रिया का कर्ता बनता है, एक अपने निज आत्मा का ध्यान करता है। क्या व्रतादि की क्रिया करने में भी तो परद्रव्य आश्रित है ना, मतलब उपयोग तो बाहर बटा हुआ, और ये जो वीतरागता है ये उदासीन रूप है, मैंने निरपेक्ष निवृत्ति रूप प्रवृत्ति रूप नहीं, क्या है निवृत्ति माने कुछ भी प्रवृत्ति नहीं है इसमें, ये तो पूर्ण सब कार्यों से निवृत्त होकर एक अपने निज स्वरूप का ध्यान करता है। जब निज स्वरूप का ध्यान करता है तो अपने आप वो सब हो जाता है, उसकी समता भी हो जाती है, सामायिक भी हो जाती है, और उसके व्रतादि भी पल जाते हैं, सब हो जाता है। तो निचली दिशा, फिर ये तो बात करी थी ना अपन ने कि निचली दशा में कितने जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्त बना पाया जाता है, इसलिए उपचार से उन व्रतादिक को भी शुभोपयोग से व्रतादिक को भी व्रतादिक शुभोपयोग को भी मोक्ष मार्ग का, व्रतादिक को नहीं व्रतादिक शुभोपयोग को, क्योंकि वो भी पाया जाता है निचली भूमिका में। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग तो मोक्ष का घातक ही है, क्योंकि वो बंध का कारण है, वो बंध का कारण है वही मोक्ष का घातक है, ऐसा सिद्धांत। इसलिए क्या करना, इस प्रकार अब आगे पढ़ते हैं, इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपाधेय मानकर उसका उपाय करना। सार बात ये, पहले तो अपने उपयोग का कर्ता बनना और उपयोग में भी शुभोपयोग को बंध का कारण जानकर उसको हे मानना, और शुद्धोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उसको उपाधेय मानकर ग्रहण करने लायक जानकर उसका उपाय करना। काय का उपाय करना, शुद्धोपयोग का उपाय करना, और शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना। क्या लिखा है देखो, अरे कम से कम अपने देखो अपने श्रद्धा में अपने ज्ञान में लक्ष्य तो बने कि हमें क्या करना है, हमारा गोल तो क्लियर हो जाए कि हमारा गोल ये है कि हमें शुद्धोपयोग का उपाय करना है, वो तो शुद्धोपयोग का उपाय करेगा, शुभोपयोग तो घास की तरह आ जाएगा, काय की तरह घास की तरह, तू बल छोड़ दे शुभोपयोग का, शुद्धोपयोग का बल लेके आ कि हाँ मुझे ये करना है, तो अपने को कमजोर क्यों मानता है। शुद्धोपयोग को उपाधेय जानकर उसका उपाय करना, और शुभोपयोग अशुभोपयोग को तो हे जानकर उसका त्याग का उपाय करना, और जब न हो सके शुद्धोपयोग तो फिर क्या करना, वहाँ अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में प्रवर्तन करना, क्योंकि कितना बैलेंस है ना चिंतन, शुद्धोपयोग का उपाय करना, कि शुद्धोपयोग नहीं हो तो शुभ अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में प्रवर्तन करना, क्योंकि अशुभोपयोग क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। भाई काम तो यही होना चाहिए अपना, मतलब लक्ष्य क्या है, शुद्धोपयोग, न रहे शुद्धोपयोग में तो अशुभोपयोग को छोड़कर शुभोपयोग का उपाय, क्योंकि शुभोपयोग में कषाय की क्या है, मंदता, अशुद्धता की मंदता, तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है,
कुछ वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। वहां क्या परद्रव्य का प्रयोजन है कि ये करना कि वो करना, क्यों क्या करना, कुछ नहीं करना। मात्र क्या रहता है, ये साक्षीभूत रहता है, जो भी होता है उसका साक्षी, साक्षी उन्होंने ज्ञाता भाव, वही ज्ञाता रहता है, ज्ञाता दृष्टा देखने जानने वाला मात्र रहता है। जब शुद्ध उपयोग भगवान परम शुद्ध उपयोगी है, वो क्या है मैं साक्षीभूत मात्र, मात्र देखते जानते हैं, देखते जानते पूरे विश्व को, लेकिन कैसे देखते जानते, उदासीन भाव से, निरपेक्ष भाव से, परम वितराग भाव से। तो जब शुद्ध उपयोग होता है तब परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का कुछ भी प्रयोजन है ही नहीं कि ये परद्रव्य की क्रिया करना कि नहीं करना। वो तो केवल परद्रव्य को मात्र जानता ही है, परद्रव्य का आप करता नहीं बनता। शुभोपयोग हो वहां बाह्य व्रताधिक की प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य अव्रताधिक की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अशुद्ध उपयोग के परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त निमित्तिक संबंध पाया जाता है। समझ में ना, माने देखो जहां परद्रव्य का साक्षीभूत न रहे, और परद्रव्य का कुछ प्रयोजन होगा ना, परद्रव्य का कुछ क्या प्रयोजन होगा कि क्या क्या कैसी प्रवृत्ति होगी कि जब शुभ उपयोग होगा तो व्रताधिक की प्रवृत्ति होगी, और अशुभ उपयोग होगा तो बाह्य व्रताधिक की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि ये परद्रव्य की प्रवृत्ति के और अशुद्ध उपयोग के निमित्त निमित्तिक संबंध। मैंने जब भी परद्रव्य की प्रवृत्ति होगी तो परद्रव्य की प्रवृत्ति है निमित्त, और निमित्तिक कार्य क्या है, अशुद्ध उपयोग के नियम। मैंने परद्रव्य की प्रवृत्ति अशुद्ध उपयोग का निमित्त है, इसलिए जब भी परद्रव्य की प्रवृत्ति होगी अशुद्ध उपयोग पाया जाएगा, शुद्ध उपयोग नहीं पाया जाएगा। इसलिए उत्कृष्ट तो यही है कि परद्रव्य की प्रवृत्ति ना हो, परद्रव्य का क्या रहे, साक्षीभूत ज्ञाता दृष्टा ही रहे। लेकिन ये ना होगा तो फिर क्या करना, अव्रताधिक को छोड़कर व्रताधिक रूप प्रवर्तन करना। तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, और फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। ऐसी क्रम परिपाटी, क्रम का उल्लंघन, कोई सीधे चाहे अशुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग की प्राप्ति हो जाए तो ये संभव नहीं है, अपने आप को छलना मात्र है। कुछ लोग ऐसे हैं इस मान्यता वाले, कोई जरूरत नहीं शुभ उपयोग, शुभ उपयोग कोई परंपरा से भी मोक्ष कारण है, तो ये मान्यता ठीक नहीं है। क्योंकि शुभ उपयोग तो वो आएगा ही आएगा ना, रस्ते में आएगा। अरे कषाय की तीव्रता से कषाय का अभाव भी हो जाएगा डायरेक्ट, कषाय की तीव्रता से पहले कषाय की मंदता होगी और मंदता से अभाव। ये बात अलग है कि वो मंदता जो है वो अभाव करने का नियामक कारण नहीं है कि अब मंदता हो जाएगी तो कषाय का अभाव हो ही जाएगा, लेकिन जिसके भी कषाय का अभाव होगा उसके पूर्ववर्ती पर्याय में उसके कषाय की क्या होगी, मंदता होगी, तीव्रता से काम नहीं होता। ये सब भी उसके साधन है। अच्छा वही व्रताधिक जो है कषाय मंद करने के साधन, परंपरा से कषाय के अभाव के कारण, और यही क्रम परिपाटी, पहला शुभ उपयोग छोड़कर शुभ उपयोग, शुभ उपयोग छोड़कर शुद्ध उपयोग। कारण काल पता नहीं कह रहे, ये क्रम परिपाटी कह रहे, ये उसका क्रम है, ये उसका, क्योंकि यदि कारण मानो तो वो दिक्कत, फिर शुभ उपयोग का कारण किसको मानना पड़ेगा, अशुभ उपयोग। यदि एक के बाद वो होता है तो उसका कारण ठहरे, तो अशुभ उपयोग के बाद शुभ उपयोग होता है, शुभ उपयोग के बाद शुद्ध उपयोग, ये क्रम है ना। तो अब यदि इनमें एक दूसरे में कारण कार्य पता मान ले, तो अशुभ उपयोग कारण हुआ किसका, शुभ उपयोग का, और शुभ उपयोग किसका कारण हुआ, शुद्ध उपयोग। तो जो ये कहे कि शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग का कारण है, अरे कारण होगा तो फिर वो शुभ उपयोग में कारण कौन बनेगा, समझ में नहीं। यदि शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है तो अशुभोपयोग शुभोपयोग का कारण नहीं आई। तो ये तो अपन ने पूर्व पक्ष दिया ना, अपन ने उसको उत्तर ही दिया, जो ये कहता है कि शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है क्योंकि वो उसके बाद होता है, तो ऐसे अशुभोपयोग के बाद यदि शुभोपयोग होता है तो क्या अशुभोपयोग शुभोपयोग का कारण कहलाएगा, ये तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे।
है नहीं तो क्रम है तो वो कारण है क्या? क्रम कारण नहीं है, क्रम है मतलब ये होता है इसके से, वो उसका कारण नहीं है बल्कि वो उसके अभाव रूप कारण है, वो जब तक रहेगा तब तक वो नहीं होएगा, वो उसका साधक नहीं है, वो उसका बाधक है कि वो अशुभोपयोग जब तक होगा तब तक शुभोपयोग नहीं होगा और जब तक शुभोपयोग होगा तब तक शुद्धोपयोग नहीं होगा। बोलो समझ में आया ना? ऐसा तथा कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है तो शुद्धोपयोग का कारण है, सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है, ऐसा ही कारण कल्पना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग थे। नहीं समझ में, ये सरल सीधी पंक्ति है। अथवा द्रविलिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है और शुद्धोपयोग होता ही नहीं, इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्य बना है नहीं, कारण कार्य बना नहीं। जैसे रोगी को बहुत रोग था पश्चात अल्प रोग रहा, तो अल्प रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं, कि है इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए, परंतु यदि अल्प रोग कोई भला जानकर उसके रखने का यत्न करे तो निरोग कैसे हो? क्यों कम बीमारी बीमारी के नाश का उपाय है क्या? तो रखे रखो हो जाओगे ना। अरे वो मिटेगी कम बीमारी तो निरोग, शुद्धोपयोग का अभाव होगा तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति, इसका अभाव होगा शुभोपयोग का अभाव होगा तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति, वो उसका अभाव रूप कारण है वो। उसी प्रकार कषायों के कषाई के उसी प्रकार कषाई के तीव्र कषाय रूप अशुभोपयोग था, पश्चात मंद कषाय रूप शुभोपयोग हुआ, तो वह शुभोपयोग तो निकषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं, कि है वो उसका कारण नहीं है क्या? मंद कषाय रूप शुभोपयोग निकषाय रूप शुद्धोपयोग होने का कारण नहीं, क्योंकि मंद कषाय में निकषाय कैसे होगा? मंद कषाय छोड़कर निकषाय होगा, मंद कषाय निकषाय कराएगी क्या? इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए, क्योंकि वो उस टाइम पे करे तो हो सकता है, तीव्र कषाय के काल में कषाय निकषाय रूप होने की उपाय करेगा तो नहीं होएगा, लेकिन तीव्र कषाय से मंद कषाय में आकर यदि निकषाय रूप होने का उद्यम करेगा तो ये हो सकता है, लेकिन वो मंद कषाय रूप परिणाम निष्कषाय होने का कारण नहीं, वो उसको अवसर देता है लेकिन कारण नहीं है, कारण हो तो कार्य हो ही जाए लेकिन वो ऐसा नियामक कारण नहीं है, वो तो ऐसा है कि शुभोपयोग में रहकर शुद्धोपयोग का उपाय करे यत्न करे तो हो जाए, परंतु यदि शुभोपयोग कोई भला जानकर और उसके साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो? क्या शुभोपयोग कोई भला जानकर उसके साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे? इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं, उसको शुद्धोपयोग हो तो शुभोपयोग कारण कहें क्या? मिथ्या दृष्टि को शुद्धोपयोग की पहचान ही कहा तो शुभोपयोग शुभोपयोग के लिए करना, सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो ऐसी मुख्यता से कई शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, कहीं कहते हैं सब जगह नहीं कहते हैं, कहीं कह दिया हो तो इसीलिए कहा है कि सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकटी काल में शुद्धोपयोग प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञात है ना, शुद्धोपयोग की खबर है उसको सम्यक दृष्टि को, तो वो शुभोपयोग को साधन बनाकर शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर लेता है, इसलिए ऐसी मुख्यता से कहीं कहीं शुभोपयोग को भी शुद्धोपयोग का कारण कहा है, क्योंकि जिन जीवों के सम्यक प्राप्त है उनका वो शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण बना उसको साधन बना के उसके साथ ही सिद्धि कर लेते, समझ में आ रही है ऐसा जानना है?
कंडीशन अप्लाइड, वो कंडीशन नहीं अप्लाई करता तो सबके लिए निश्चय दृष्टि शुभ उपयोग करेगा शुद्ध उपयोग हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा है शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग का कारण किसके लिए, तू क्या मान रहा है सबके लिए, ठीक है। शुभोपयोग के काल में शुद्ध उपयोग का यत्न करेगा तो हो जाएगा, लेकिन शुभोपयोग के साधन करेगा तो नहीं होएगा। क्या समझना है, स्कूल आया है, स्कूल आके अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छा नंबर आ जाएगा, लेकिन तू स्कूल में आके स्कूल में ही रहने का उपाय करेगा तो नहीं होएगा। पांचवी क्लास पसंद आ गई स्कूल तो यही अच्छा, इस क्लास में अधिक से अधिक रहने का उपाय क्या है, बहुत सरल उपाय, कुछ भी मत करो उस क्लास में रहने का बहुत, अरे बिल्कुल तुम बहुत सरल उपाय है, तुम मेहनत मत कर, इसी का उपाय करेगा इसी में कैसे रहना। तो ऐसे ही वो शुभ उपयोग के अंदर रहने का उपाय क्या है कि शुद्ध उपयोग का अभ्यास मत कर, उपाय मत कर, तो यही इसके साधन कर तो इसी में रहेंगे। तथा यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है, और एक बात और है, ये क्या मानता अपने को, मैं दोनों का साथ रहा हूँ, इसको भी ना उसको भी, दोनों की खबर कुछ नहीं इसको है, खबर उबर तो खेल किनको है खबर, निश्चय व्यवहार की परिभाषा ही नहीं मालूम तो क्या खबर हो इसको। वहाँ पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना तो सम्यक दर्शन हो गया, और वैसे ही जागरूक से सम्यक ज्ञान हुआ, और वैसे ही विचार प्रवर्तन किया सो सम्यक चाहते हैं। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता, परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सुशुद्ध कैसे जानता मानता विचारता है इत्यादि विवेक रही भ्रम से संतुष्ट होता है। मैंने वही पंडित जी ने वापस से बात दोहराई जो पीछे पर निकल गई थी ना, कि अपने को शुद्ध बुद्ध भ्रम से मानता है, इसको कोई नई विवक्षा ख्याल में नहीं है, और ये मानता है कि मैंने निश्चय को प्राप्त कर लिया। अब निश्चय की क्या विवक्षा है वो तो पता नहीं, किस विवक्षा से आत्मा को शुद्ध बुद्ध कहा है, बस ऐसा मान लो कि आत्मा शुद्ध बुद्धि है। भाई कैसे मान लो आत्मा तो अशुद्ध, बस मान लो, अब अशुद्ध भी हो तो भी शुद्ध मान लो, बोलते तो सम्यक दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा है जो आत्मा को शुद्ध मानता है सम्यक दृष्टि होती है। अरे तो आत्मा को जो स्वभाव से जानता है वो सम्यक भी होता है, तो स्वभाव की अपेक्षा कथन है, तो स्वभाव तो देख ही नहीं रहा है और बस पर्याय में ही उसको शुद्ध मानने की कोशिश कर रहा है, तो पर्याय में तो अशुद्धि मानना था और स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध मानना था, तूने पर्याय में क्या मान लिया है, शुद्ध मान के और भ्रम से अपने आप को शुद्ध मान, इसका सम्यक दर्शन की परिभाषा ही नहीं, आत्मा को शुद्ध जाने वो सम्यक थी और आत्मा को अशुद्ध जाने मिथ्या अस्थि, ऐसी परिभाषा बनाने की इसमें, आत्मा अशुद्ध मन मिथ्या अस्थि, आत्मा को अशुद्ध नहीं बोलो आत्मा शुद्ध। अरे भले आदमी आत्मा को शुद्ध बोलो चाहे अशुद्ध बोलो, दोनों की विवक्षा समझो तो सम्यक दृष्टि, और विवक्षा नहीं समझो तो आत्मा को शुद्ध शुद्ध ही बोलो, विवक्षा ही ख्याल नहीं होगी किसी विवक्षा से शुद्ध का, तो सम्यक दृष्टि कैसे हो जाएगी। सम्यक दृष्टि तो उसको कहते हैं जो जैसा होता है वैसा मानता है, तो तू तो तेरे को खुद को ही, तेरे को खुद को ही विश्वास नहीं है, तेरे को खुद को ही भ्रम है कि है तो ऐसा है, और फिर भी अब शास्त्र में लिखा है कि आत्मा शुद्ध तो अपने को मान लो सम्यक्ति होने के लिए, तेरे को खुद को स्वरूप नहीं पता है तो उसको सम्यक्ति कैसे हो जाएगी। मैंने हर चीज की विवक्षा ख्याल होनी चाहिए किस अपेक्षा से कौन सी बात करें, इसलिए शास्त्र के वचन तो केवल संकेत मात्र है, उसका भाव वास्तव में जो है ना जो समझता है ज्ञानी के हृदय में रहता है कि इसका भाव है। शब्द तो संकेत मात्र बता देते हैं वस्तु को, लेकिन उसका भाव ख्याल आना ना, इसका भाव क्या है, शुद्ध कहा है तो क्या अपेक्षा से कहा है, तो इसलिए ये कोई परिभाषा नहीं है। आत्मा को चाहे शुद्ध माने चाहे अशुद्ध माने, शुद्ध मानने से कोई सम्यक्ति नहीं होता, अशुद्ध मानने से सम्यक्ति नहीं होता। ये जो परिभाषा इसने बना रखी निश्चय की कि बस शुद्ध मानना वो सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं है, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धांत मिलना वो सम्यक दर्शन है। केवल आत्मा को शुद्ध मानने का नाम तो एकांत है, आत्मा तो शुद्ध अशुद्ध दोनों है, द्रव्य अपेक्षा शुद्ध और पर्याय अपेक्षा से अशुद्ध है, और देखो और क्या करता है व्यवहार सम्यक दर्शन कैसा है इसका, वो भी एक अलग तरह का सब इसके अलग चीज वीआईपी बिल्कुल। तथा अनंतादिक के सिवा अन्य देवादिक को नहीं मानता, वह जैन शास्त्रानुसार जीवादिक के भेद सीख लिए हैं वह उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता, वह तो सम्यक दर्शन हुआ। इसका व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, कितना सात तत्व तो नहीं, सात तत्व तो एक तरह, इसका व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है,
जीवा क्या है, अलंकादिक के सिवा अन्य देवादिक को नहीं मानता है। सर कटा सकता हूं पर सर किसी और के आगे झुका नहीं सकता। किसी और मतलब कुदेव कुगुरु कुधर्म के आगे, और मैं अपने देव गुरु धर्म के लिए मर भी सकता हूं, और मेरे को इसलिए सम्यक दर्शन। तुम मर नहीं सकते इसलिए तुमको मैं क्यों मरूं? मेरे देव ने भी नहीं कहा कि तुम मरो मेरे लिए, मैं क्यों मरूं? मेरे देव ने तो अहिंसा सिखाई मेरे को, बल्कि ये सिखाया कि कदाचित कोई तुम्हारे ऊपर भी आपत्ति आ जाए तो तुम लड़ने मत जाना, और बिल्कुल समता भाव से उसको जाने देना। धर्म कोई लड़ना तो ही सीखा था, धर्म के लिए कट मरो वो धर्म। अरे जैन धर्मावलंबी तो इतने शांत होते हैं, कोई उनके ऊपर आक्रमण करता है तो घर में घुस जाते, आक्रमणकारी चले जाएगा हम बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो देवगुरु धर्म के श्रद्धांत के नाम पे जिहाद फैलाता है क्या? और जिहाद को कहता है कि मैं बहुत बड़ा सम्यक दृष्टि हूँ, और तुम सब जिहादी नहीं हो तो तुम मिथ्या दृष्टि। इसका नाम ऐसा सम्यक दर्शन हो जाएगा सबका सम्यक, सभी धर्मावलंबी सम्यक दृष्टि है, भी सभी जिहाद वाले हैं। वो जो अल्लाह को नहीं मानता वो उसको जिहाद उसको हक नहीं देने का है दुनिया, सभी मानते ही मानते। तो ये इससे सही नहीं होता सम्यक दर्शन, बस तुम किसको वो, अरे तुम पहले तो जिनको मान रहे हो उनके गुण तुमको पता हो, और दूसरी बात तुमने परीक्षा करके स्वीकार किया। अपने यहाँ तो परीक्षा प्रधान से कहा है, आज्ञा प्रधान तो ही नहीं कहा, भगवान की परीक्षा कर दी समंत भद्र स्वामी। कितनी बार मैंने बताया भगवान को भी वो माना है तो उन्होंने कहा कि आपने गुण इसलिए हम आपको मानते हैं, हमने अपने बुद्धि से आपको अच्छा मान के आपको देव माना है, हम केवल इसलिए नहीं आए आपके पास कि बस हमारे मम्मी पापा ने कह दिया कि तुम्हारे देव है तो यहाँ आ जाना, इसे खाना नहीं मिलेगा, यह तुम्हारे तीन छत लगे हुए हैं और सिंहासन है और भामंडल है और ये है और वो है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर में वो वीतरागता सर्वपिता है जो अन्य किसी कुदेव आदि में देखने को नहीं मिलती। तो ये जो है सम्यक दर्शन, जो बहुत स्थूल बात है कि अन्य देवादिक को नहीं मानता, मैंने जो ग्रहित मिथ्यात्व मात्र का त्याग किया है उस मात्र को क्या मानता है, ये सम्यक दर्शन। और दूसरा जैन शास्त्र अनुसार जीवादिक के भेद सीख लिए उन्हीं को मानता है, मैंने बस भेद नाम सीख, परीक्षा के हिसाब से सात तत्व होते हैं, भाव कुछ नहीं मालूम है, सात तत्व की भूल पूछोगी क्या है वो भी नहीं मालूम है, सात तत्व की क्या भूल होगी, रट लिए इसमें। जीव दो प्रकार, संसारी मुक्त अजीव दो प्रकार के, उद्गल और परमाणु और इसका आश्रय दो प्रकार के, द्रव्य भाव और सत्तावन विकार, बंद 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 गुण बंद विचार। अब इसमें अपना प्रयोजन कैसे निकालना, जीव और जीव में भेद विज्ञान कैसे निकालना, और आश्रय बंद में किस प्रकार से ये दुख रूप है, दुख के कारण है, समण निजा मोक्ष सुख के कारण है, तो उसकी प्राप्ति कैसे हो, और ये सुख के कारण कैसे हैं, रागादि भाव दुख के कारण कैसे हैं, वीतराग का सुख के कारण कैसे, इसका श्रद्धा ना हो कि आश्रय के भेद सीख ले और आश्रय को सुख मतलब रागादि भाव को सुख का कारण माने तो इसने आश्रय समझा, आश्रय का श्रद्धा ना इसको बताओ। राग का राग विद्यमान है, आश्रय का श्रद्धा नहीं है, वीतराग का हित रूप नहीं लगती है, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लगे आपको कष्टदान, तो भले ही इसने संवर के भेद सीख लिया हो सत्तावन, लेकिन संवर तत्व संबंधी भूल है। तो ये जो व्यवहारवासी जैसी भूलें रहती है ना, इसकी ये सब भूलें, इसके तत्वों के नाम सीख लेंगे, भेद सीख लेंगे, और उनमें सारभूत बात क्या वो नहीं सीख पाते, जिससे अपने जीवन का क्या प्रयोजन निकालें क्या। जैसे स्कूल की टीचिंग होती है ना, रट्टा मतलब रट्टाफिकेशन, H2+O2 क्या, H2+2O2 इज इक्वल टू ए 2H2+ जो भी H2+O2 क्या है, दो हाइड्रोजन के मिलेंगे ना H2+O, तो बोलिए 2 कर दो, 2H2+O2 इज इक्वल टू H2O, 2H+O जो भी है ना, तो ये इससे बन जाता है, इससे जो भी है, अरे जो भी है 2H है कि H2 है क्या, टू एच टू प्लस ओ टू इज इक्वल टू टू एच टू ओ ठीक है, 2H2+O2 इज इक्वल टू 2H2O, मैंने दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का,
यदि मिल जाए तो पानी बन जाता है, दो पानी बन जाता है, रख लिया बन जाता, पानी बन जाता है ऐसे। परंतु वो पानी बन तो जाता है तो वो अपन ने जैसे उसमें लड़पटे हैं ऐसे ही यहाँ सब लड़पटे अपने सारे नाम सीख लिए सीख लिए, परंतु उसको अपने जीवन से नहीं जोड़ा, इसने स्कूली विद्या जैसा मान रखा। क्या कि भैया मेरे को धर्म सीखना, अधिकार लोग कि मैं वहाँ रहता हूँ ना वहाँ आसपास वाले बहुत सारे लोग तो हमको भी धर्म पढ़ना है, तो मैंने कहा तुम्हें धर्म पढ़ना है क्या के लिए पढ़ना है, ये प्रश्न मंच के रोज प्रश्न सॉल्व करने के, क्या हो सीख रही तो सीख, तो नहीं उसके लिए हम किसी को नहीं पढ़ाते, क्यों इनाम के लिए मैं पढ़ाऊँ तुमको, अरे तुम ये समझो कि ये जीवन उपयोगी शिक्षा है, बाकी सारी शिक्षा वाली रट लो उससे इनाम मिल जाएगा पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसको तुम अपने जीवन से जोड़ो, क्योंकि क्या होता है उन भाइयों को जैसे एक दो आई भी पढ़ने तो उनको मैंने आश्रम संबंधी भूल बताना चालू की, बोल पंडित जी इतने नहीं समझना हमको, हमको तुम्हें बताओ आश्रम की भेद की परीक्षा में तो वही आते भूल तो ही नहीं आती है, तो मैंने कहा तुम छोड़ो ये सब, उनको उससे मतलब ही नहीं, उनका तो ये है कि भाई ये बताओ उस मंदिर में कौन सी मूल्याएँ बैठी है, फलाने भगवान कहाँ से पहुँच गए, फलाने भगवान का जन्म कहाँ हुआ है, उनकी जन्म गर्भ तिथि क्या है, जन्म तिथि क्या है, ओ भैया ये तिथियाँ वितियाँ जाके देखे आओ दूसरी किताब में, क्या तुम्हारा लक्ष्य जो है वो अपनी ज़िंदगी को तो ही बदलना है, तुम्हारा लक्ष्य तो वो परीक्षा के क्या करना है, वो 2500 रुपये का इनाम है वो जीतना है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुमसे तुम मेरे से पैसे ले लो भलो होते हैं, लेकिन ये जो बात है सीखो, तो बोले उसमें नाम भी तो आता है पैसे आप दे दोगे तो क्या हुआ, नाम तो ही नहीं आएगा, वो तो नहीं आ सकता, नाम कुछ नहीं मिलेगा इसके, नहीं तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, तो शांति के लिए तो ही नहीं हम आए, हम तो इनाम इसलिए आए। हमारे सामने से एक आती थी बोला तो क्या दरवाजा लग गया इधर का आना बंद हो गया, अच्छा ये चीज आए दिन प्रश्न वाली प्रतियोगिता के क्वेश्चन आ जाते, और क्वेश्चन भी ऐसे कि अपने क्या हो क्या, और उसमें बहुत सारे तो लौकिक जैसे कि इस मंदिर में कौन सी मूल्याएँ कही थी, इसका काम हो कहा हो रहा है, ये कहा हो रहा है, फलाने का कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब इसका, मैंने देखो तुम ये थोड़ा तत्व का अभ्यास करो, तो ये क्या कर लिए इसने जीवादि के क्या सीख लिए हैं, भेद सीख लिए, वो उन्हीं को मानता है, मानता उनको ही और कुछ नाम याद नहीं है, और वो को नहीं मानता, तो कहता ये सम्यक दर्शन हो गया अपना व्यवहार वाला, निश्चय वाला सम्यक दर्शन तो कैसा था, आत्मा को शुद्ध मानो, और व्यवहार वाला सम्यक दर्शन सात तत्वों के नाम सीख लो, देवशास्त्र गुरु को मानो, वो भी अपने हिसाब से देवशास्त्र गुरु भी जो अपन ने निर्णय कर लिए कि ये अपने गुरु ये वाले ये गुरु है ये देव है और ये अपना काम, तो ये कहते हैं वो तो सम्यक दर्शन हो गया, ये सम्यक दर्शन हो गया, और जैन शास्त्रों के अभ्यास बहुत प्रवणता है वो भी उसमें आत्मलक्ष्य की दृष्टि से नहीं, सो सम्यक ज्ञान हुआ तथा व्रतादि क्रियाओं में प्रवणता है, सो सम्यक चैत्र हुआ, इस प्रकार अपने को व्यवहार रत्नत्र हुआ मानता है, परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम नहीं, कहता मेरे व्यवहार तो है ही भले निश्चय रत्नत्र चलो नियम में भी आत्मा को शब्द नहीं मानता, व्यवहार तो है क्योंकि मैं ये सब काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा, तो कह रहे व्यवहार तो उपचार का नाम है, और उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के वे कारण आदि हो, जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सज जाए उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहार बना भी संभव हो, परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही हुई नहीं है तो ये इस प्रकार कैसे साध सकेगा, ये तो आज्ञानुसार ही हुआ, देखा देखी साधन करता है, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं, देखा देखी कर लिया सर, चलो ये व्यवहार भी कर लो चलो निश्चय भी कर लो दोनों कर लो, क्योंकि दोनों मार्ग है ना, लेकिन जिनवाणी में साधन एक ही किया जाता है किसका, निश्चय मोक्ष मार्ग का, और व्यवहार तो उसके साथ अपने आप होता है, व्यवहार होता है और निश्चय का उपाय किया जाता है, और ये सोचता है कि दोनों का उपाय कर लो दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग हो जाएंगे, और निश्चय की भी विवक्षा ख्याल नहीं है व्यवहार की पता नहीं, तो व्यवहार तो साधने को इसलिए कहा था कि उस व्यवहार से क्या सधे, निश्चय सधे, और निश्चय की पहचान नहीं होगी तो उससे व्यवहार से निश्चय साधे हो कैसे, कहा ना इन्होंने जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय साधे सद जाए, जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सद जाए उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहार करना भी संभव,
परंतु इसे सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की तो पहचान ही हुई नहीं है, तो ये इस प्रकार कैसे साधेगा? भाई मेरा मुझे साध्य पता हो तो मैं अपने साधन से उसको साध्य सकूंगा, लेकिन जब मेरे को साध्य पता ही नहीं है तो मैं उसको साधन बना के उस साध्य को कैसे साधूंगा? पर आज्ञानुसार ही हुआ, देखा देखी सारे ये सब आते हैं। पंडित जी भी धर्म के लिए मंदिर आते हैं, पूजा करते, मैं भी आ जाता, तो वो धर्मात्मा मैं भी धर्मात्मा, तो तेरा वो काहे के लिए आ गया? वो वीतरागता की वृद्धि के लिए आ गया, तू काहे के लिए आ रहा है? तू देखा देखी आ रहा है, देखा देखी साधन नहीं होगा। साधन तू अपने अंदर में उसको साध्य की सिद्धि के लिए बनाएगा साधन तो है, इसलिए इसके निश्चय हुआ मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, इसका कल करेंगे सोमवार इसका।